हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने WhatsApp पे किसी चैट को हाइड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp में हम किसी प्राइवेट चैट को हाइड कैसे कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। तो अब हम अपने WhatsApp पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे किसी भी चैट को हाइड करना। देखिए, ये जो ट्रिक है ये बहुत ही सिंपल है और WhatsApp का ही एक फीचर है। यहाँ पे हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वाले नहीं हैं, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे आपको कोई भी चैट हाइड करना है तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें ये हाइड करना है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे इस पर लॉन्ग प्रेस करके। और सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में कुछ ऑप्शन मिलता है, जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आर्काइव का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस आर्काइव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट जो है हाइड हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो चैट था वो अब हाइड हो चुका है। लेकिन अब हम इसे देखेंगे कैसे? बड़ा ही सिंपल है, इसे देखना भी बहुत ही आसान है। बस आपको सर्च में चले जाना है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। इस पे क्लिक करके ऊपर में सर्च पे जाएंगे और सर्च में आप जिसका भी हाइड किए हैं उसका नाम टाइप करेंगे। जैसे ही नाम टाइप करेंगे यहाँ पे जो है ऊपर में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आप क्लिक करके बड़े ही आसानी से यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं। और आपके जो चैट में जो है यहाँ पे आपका जो वो हाइड जो आपने किया है वो यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। बहुत ही सिंपल है। अब अगर बाद में आपका मन करता है कि यहाँ पे हम जो है उसे अनहाइड कर दे, फिर से यहाँ पे चैट पे आ जाए। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे चैट होंगे आपके चैट में तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल नीचे दिखेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसी का चैट आपने हाइड किया हुआ है। तो इसे अनहाइड करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे फिर से आर्काइव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट जो है यहाँ पे आ गया है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आपको एक से ज़्यादा चैट हाइड करना है तो आपको सभी को जो है टिक करते रहना है, टिक कर देना है, और टिक करने के बाद उसी को क्लिक करेंगे, सभी के सभी जो चैट है वो हाइड हो जाएगा। अब आप चैट करना चाहते हैं तो आप सर्च करके ऊपर से चैट कर सकते हैं। जब जब आपको चैट करना है, किसी एक या दो को चैट को आपको हाइड करना है जो आपके लिए बिल्कुल प्राइवेट है, तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। और अब आपको जब मन करे यहाँ से आप इसे अनहाइड भी कर सकते हैं इस तरह से सिलेक्ट करके। तो देख सकते हैं कितना आसान ट्रिक है, हम किसी भी चैट को एक ही क्लिक में बस सेकेंड्स में हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। व्हाट्सएप से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को WhatsApp पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।